हेलो स्टूडेंट्स ये एनर्जी एनालिसिस इन एस की सीरीज़ का थर्ड वीडियो है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसोलेशन ऑफ एनर्जीज जिस तरीके से पार्टिकल ऑसोलेट करता है एस के अंदर हमको पता है कि एनर्जी भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो कर रही होती है यानी कि हम कह सकते हैं कि एनर्जी भी ऑसोलेट कर रही होती है जैसे अगर अपन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट वन से टू तक जाने में कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाती है वन पर मैक्सिमम है पॉइंट टू पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है फिर थ्री पर पार्टिकल जब आता है तो काइनेटिक एनर्जी वापस से रेस्टोर हो जाती है कम्प्लीटली और काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है तो इस बात में भी फ़र्क नहीं पड़ता कि पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है लेकिन अगर, अगर अपन पार्टिकल के ऑसोलेशन की बात करें तो पार्टिकल का ऑसोलेशन तब कम्प्लीट हो जाए होता है जब पार्टिकल वन से टू तक जाता है टू से थ्री थ्री से फोर और फोर से फाइव तक जब पार्टिकल आ जाता है तब हम कहते हैं कि पार्टिकल का एक ऑसोलेशन कम्प्लीट हुआ है क्योंकि पार्टिकल जब वन से फाइव तक आता है तो पार्टिकल सेम पॉइंट पे आ जाता है और सेम डायरेक्शन में जा रहा होता है जैसा वो वन पर जा रहा था इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पार्टिकल का एक ऑसिलेशन वन टू थ्री फोर फाइव इतना कंप्लीट करने पर होता है लेकिन एनर्जी के साथ में ऐसा नहीं है एनर्जी तो एक स्केलर क्वांटिटी है तो अगर उसकी वैल्यू कंप्लीटली रेस्टोर हो जाती है तो हम बोलेंगे कि एनर्जी का एक ऑसिलेशन कम्प्लीट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो वन टू थ्री इतना ड्यूरेशन uh, में ही काइनेटिक एनर्जी का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा और इतने ड्यूरेशन के अंदर पार्टिकल का आधा ऑसिलेशन ही हुआ होता है यानी कि पार्टिकल के आधे ऑसिलेशन में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम पीरियड होगा काइनेटिक एनर्जी के ऑसिलेशन का और उतना ही टाइम पीरियड होगा पोटेंशियल एनर्जी के ऑसिलेशन का क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूसली एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होते हैं जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तब काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो दोनों का टाइम पीरियड बराबर होगा तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर पार्टिकल के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड टी है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा बाय टू ठीक है तो हम यहां पे मैं रिपीट करता हूँ इस स्टेटमेंट को अगर पार्टिकल के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड टी है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा टी बाय टू इससे हमको यह भी समझ में आता है कि अगर पार्टिकल के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी को हम लोग अगर एफ बोलें तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डबल होगी क्योंकि जब पार्टिकल एक ऑसोलेशन कंप्लीट करता है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो ऑसोलेशन कंप्लीट कर लेते हैं यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी uh, पार्टिकल के ऑसोलेशन की फ्रीक्वेंसी की डबल है तो यहाँ से हमको फ्रीक्वेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई और ये हमने इंट्यूटिवली एनालाइज कर लिया केवल मोशन के, के थ्रू हमने एनालाइज कर लिया है ठीक है इसको हम लोग मैथमेटिकली भी करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर पर यहाँ पर जो हमने एनालिसिस किया है उसको एक बार देख लेते हैं जो मैंने लिखा हुआ है नीचे तो यहाँ पे हम लोग देखने वा रहे हैं इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम टू टाइम्स ड्यूरिंग वन ऑसोलेषन ऑफ द पार्टिकल एंड सिंस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड स्केलर सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसोलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसलेन ऑफ द पार्टिकल जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसलेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल होगा ओमेगा बाय टू पाई तो टू टाइम्स ऑफ ओमेगा बाय टू पाई ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी तो ये तो हमने यहाँ इंट्यूटिवली एनालाइज कर लिया अब हम इसको मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन की फॉर्म में अगर हमें दिया हुआ है कि लेट्स से पार्टिकल के ऑसिलेशन की जो इक्वेशन है वो ये है और हमको बताना है कि फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसोलेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसलेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये सब हमको बताना है तो हम ये बोल सकते हैं हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है टू पाई बाई टी तो टाइम पीरियड हो जाएगा टू पाई बाई ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन बाई टी होता है तो हमको पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अपॉन टू पाई ये तो है पार्टिकल के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये पार्टिकल के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है ठीक है अब हमें एनालाइज करना है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी तो हम काइनेटिक एनर्जी को एनालाइज़ करते हैं हमें पता है कि अगर पार्टिकल के पोजिशन की इक्वेशन हमारे पास में अगर एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है तो पार्टिकल की वेलोसिटी की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव यह आएगी डिफ्रेंशिएट करके आप देख सकते हो अगर आप पोजिशन के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको वेलोसिटी का ये फंक्शन मिल जाता है तो इसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी में इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर से अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये यह है कि कॉस स्क्वायर का फंक्शन है अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम हमें इसे पहले तो लीनियर टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो इस फार्मूले से हम कॉस स्क्वायर उमेगा टी प्लस फाइव को इस तरी इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं ठीक है ना बाकी जो टर्म्स हैं वो तो एज इट इज़ हमारे पास में आ गई हमने कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव को इस तरीके से रिप्लेस कर दिया बाय यूजिंग दैट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो हमारे पास में यहाँ पे दिख रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ़ ऑसलेसेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो टू ओमेगा आ रही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये आप देख सकते हो यहाँ पर टू ओमेगा आ रहा है यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसलेसन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो डबल हो जाएगी अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसोलेशन ऑफ पार्टिकल के क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हमको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ होता है वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी की डबल हो गई है तो फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाएगी और यही हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ठीक है और सेम एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लिखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पर हमने सिंपली उसका फॉर्मूला रख दिया है और हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव को किस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ये दूसरे पार्ट से कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है और वो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा भी होता है तो यहाँ पे हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके कॉस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव को इस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं तो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है पोटेंशियल एनर्जी की वो पार्टिकल के ऑसिलेशन की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसकी डबल है तो यानी कि फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाएगी क्योंकि हमको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है टू पाई एफ तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डबल होगी पार्टिकल के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी के और यहाँ पर हमने इसको इंट्यूटिवली प्रूव किया था दोनों एक्सप्लेनेशन आपको आने चाहिए आपको इंट्यूटिवली भी आना चाहिए और मैथमेटिकली भी आना चाहिए ठीक है स्टूडेंट्स तो इसको रिवाइज़ कीजिए इसको समझिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू